गाइस वेलकम टू अदर ब्लॉग। मैं निशा, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, और हम लोग की मॉर्निंग हो चुकी है और मैं बना रही हूँ चकोर वाला पराठा, और भी दूसरा मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ कि वो वाला तैयार होगा तो ये वाला उतारूँगी। और आज हस्बैंड की भी छुट्टी है, कुछ ना कुछ स्पेशल बना ही लेती हूँ जिस दिन वो घर पर होता है। और ये चकोर वाला पराठा वो सरप्राइज में है, नाश्ता उनके लिए, उनको पता नहीं है कि मैं ये बना रही हूँ। सो अभी इसको रेडी कर रही हूँ, फिर इसके ऊपर दूसरा वाला मतलब जो है ये बन जाएगा, तो उसके बाद दूसरे की बारी। अब यानी सर वहाँ पर तंग कर रहे हैं क्योंकि मैं किचन में हूँ, इस वजह से। देखिए मेरा सेकंड पराठा, अब इसके बाद मैं थर्ड वन बनाने लगी हूँ। और ये देखें, ऑयल एक साइड पे लगा दिया मैंने, अब इसको पलटेंगे हम। आप लोग भी सोच रहे होंगे किचन से ही आजकल ये बना रही है, तो मैं आजकल किचन में ही होती हूँ, किचन का काम ज़्यादा होता है मेरे पास, उस वजह से मैं किचन से ही स्टार्ट किया हुआ मैंने अपना सारा काम। इस वजह से आप लोगों को किचन में ही मैं अपना व्लॉग वगैरह जो है वो शूट करके दिखा रही होती हूँ। अब हम बनाते हैं थर्ड वन। अच्छा, मैंने इसको लेकर के पेड़े को, फिर मैंने इसको क्या कहते हैं उसे, बल वाला पराठा इसमें मतलब बना लिया इसको, बल वाला बना करके फिर इसको मैं चकोर में ऐड करती हूँ। सो इसको भी मैंने बेल लिया है, अब हल्का सा लाइट सा इसके ऊपर ऑयल हम छिड़केंगे। अब हम इसको स्क्वायर शेप में अब बेलेंगे हम इसको। और ये मेरा फोर्थ वन पराठा है। बैनी साहब अच्छा खासा तंग कर रहे हैं। रात को तो मैंने चने, चिकन और आलू बनाए थे, वो साथ बनाया है, साथ में मैं अंडे दो बनाऊंगी। और पराठा मेरा ये भी बन गया है, जिस हल्का फुल्का सेक लगवा रही हूँ उसको, जहाँ से मुझे थोड़ी सी रोटी कच्ची लग रही है। अब हम उसके बाद बनाएंगे अंडा। जैसे कि देख सकते हैं कि मेरी रोटियां बनके तैयार हैं, अंडे भी बन चुके हैं। अभी मैंने यहाँ से सारी पैस्ट्री जो है वो चेंज की है, और ये जो कवर ये वाला मैंने इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि ये बैनी का है, जिसको ये वाला जो है तो हर ये तो साफ था, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। और बैनी के यहाँ पर मैंने बिछाई वगैरह सारी रख दी हुई है ताकि इसको नहला लूँ, और वो पैस्ट्री वगैरह उतार के वो रखी हुई है। तो अभी इस बंदे को देखें आप, ज़रा बैनी को देखिए, जरा बैनी सामने आओ, बिल्ली सामने आ, सामने ये बैनी का हाल देखिए, बिल्ली चलो आओ 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 चले आओ चले। अभी मैं इसको नहलाने लगी हूँ, तो इसके बाबा आज मेरी हेल्प करवा रहे हैं क्योंकि मेरा हाथ का मसला है जैसा कि आप लोग को पता है। और बैनी साहब को आप देख सकते हैं शीशे में, व्यूवर्स अभी हम घर पे पहुँचे हैं, और जल्दी जल्दी मैं अपना फ़ोन घर पे भूल गई, तो छोटे से छोटे घर पे तो काफ़ी दिनों से कैसे मेरे घर आओ तो फिर मैं भूल गई जल्दी जल्दी में। सो और भी जब यहाँ से निकली काफ़ी उसकी चीज़ें भी यहाँ पर रखी हुई थी, वो भी मैं भूल गई। और अभी भी जस्ट हम लोग आए हैं और टाइम जो है हो रहा है वो 10:15 का हो रहा है, तो खाना तो खैर उन्होंने बनाया था लेकिन मूड नहीं था तब हमारा खाने का। तो अभी जो है ये खाना हम लोग बाहर से अपने लिए लेकर के आए हैं, और बैनी साहब को देख सकते हैं, मैंने अभी आके चेंज भी नहीं किया है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से हम लोग खाना लगाती हूँ क्योंकि आज मैंने बनाया नहीं था कुछ भी, जल्दी जल्दी मैं वहाँ निकल गई थी। तो जिस दिन बैनी के पापा घर पे होते हैं ना, कोई काम मतलब के जो है वो सारे जल्दी जल्दी मुझे करने पड़ते हैं, वो इस वजह से क्योंकि बैनी को उन्होंने पकड़ा हुआ होता है। फिर मुझे सारे कपड़े भी आज मैंने सेट किए हैं, और फिर बैनी को उन्हें लाया, जो कपड़े थे वो भी तय करके रखे सारे। तो अभी बस ये रास्ते में आते हुए मैं उस दिन मांग रही, तो बहनी के पापा ने मुझे किट कैट ले कर दी है अभी। तो अभी बस हम लोग आए हैं, तो मम्मा से भी कुछ बैठ के बातचीत करनी थी, तो
अभी जस्ट आए हैं तो अब आया करूँगी और खाना खाएंगे जल्दी से। खाना वाना तो हम लोग खा चुके थे और अब बज रहे हैं 12, तो ये है खीर टाइम। गाजी वालों की बिरयानी लेकर आई थी साथ में खीर, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हो गई है, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं, और यही टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। बैनी साहब को देखें, उसके बाबा भी नहीं खा रहे, तो वो जो उसके बाबा वाली है उसका उस डिब्बे का बुरा हाल कर रहा है, और मुझे तो ये डर है खुल गया ना तो हो गया काम। और बैनी साहब भी हमारे साथ कोशिश कर रहे हैं खाने। बैनी साहब को देखिए अपने बाबा के साथ कैसे जफ्फा डाल के लेटा हुआ, वरना तो अपने बाबा के पास ही जाता ही नहीं है, मम्मा के साथ ही चिपका रहता है। तो भी देखिए ज़रा इसको, बाबा के साथ कैसे लगा हुआ है, वीडियोस देख रहे हैं।